नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। 80 और 90 के दशक में राज किरण ने ढेरों फिल्में की जिनमें उन्होंने यादगार किरदार निभाए। अब कई सालों से राज किरण लापता हैं और उनकी खबर उनकी फैमिली को भी नहीं है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिनेमा की दुनिया लोगों को बहुत हसीन लगती है। यहाँ आने वाले कुछ सितारे चमक जाते हैं और शोहरत की बुलंदियाँ छू लेते हैं, तो कुछ ऐसे भी सितारे हैं जो आते हैं, चमकते भी हैं और शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचने से पहले ही गुम हो जाते हैं। ऐसे कई सितारे हिंदी सिनेमा में आए जिनकी खोज खबर आज के समय में किसी के पास नहीं है। उन सितारों में से एक हैं राज किरण, जो आज कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं, इसकी खबर शायद ही किसी को हो। एक्टर राज किरण ने 80 के दशक की कई सुपरहिट फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। राज किरण ने कई फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया तो कुछ फिल्मों में बतौर लीड एक्टर भी नजर आए थे। जिन लोगों ने उनकी फिल्में देखी हैं वो आज भी सोचते हैं कि आखिर ये सितारा कहाँ गुम हो गया, अभी तक की रिपोर्ट में उनको लेकर क्या खबर है। चलिए आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। 19 जून 1949 को राज किरण मथानी का जन्म मुंबई के एक सिंधी परिवार में हुआ था। राज किरण ने साल 1975 में आई फिल्म कागज की नाव से अपने बॉलीवुड कैरियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट सारिका नजर आई थी। इसके बाद राज किरण ने कई फिल्में की, लेकिन साल 1980 में आई फिल्म कर्ज से इनकी किस्मत पलट गई। इस सुपरहिट फिल्म को करने के बाद बैक टू बैक राज किरण ने कई फिल्में की। तबस्सुम टॉकीज के मुताबिक राज किरण के कैरियर का ग्राफ साल 1980 के बाद आया जब फिल्म कर्ज आई और सुपरहिट हुई। इसके लिए राज किरण को अवार्ड भी मिले और इसी साल उनकी 4-5 फिल्में और रिलीज हुई और सभी सफल रहीं। इसके बाद राज किरण ने बतौर लीड एक्टर एक से बढ़कर एक फिल्में की जिनमें अर्थ भी एक है। राज किरण ने बॉलीवुड में घर द्वार, सुन मेरी लैला, मनोकामना, मान अभिमान, घर हो तो ऐसा, शिक्षा, घर सुख, एक नया रिश्ता, घर एक मंदिर, बसेरा, बेजुबान, एक ही मकसद, वारिस, हिप हिप हुर्रे, प्यार का मंदिर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। साल 1986 के बाद उन्हें लीड रोल के ऑफर आने बंद हो गए तो फिल्मों में बड़े भाई या फिर दूसरे किरदारों को भी करने लगे। राज किरण ने कम समय में खूब लोकप्रियता बटोरी और लगभग 100 फिल्मों में काम कर लिया। बताया जाता है कि 1990 के बाद उन्होंने काफ़ी कम फिल्में की और 1996 के बाद तो उन्होंने कुछ सी ग्रेड फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल किए। 2000 आते आते उन्हें सी ग्रेड की फिल्में मिलना भी बंद हो गई और वो डिप्रेशन में चले गए। ओवरऑल राज किरण ने लगभग 20 साल फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, लेकिन बाद में ये चमकता सितारा कहीं खो गया। साल 2011 में एक्ट्रेस दीप्ति नवल ने राज किरण को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। दीप्ति नवल ने राज किरण के साथ कई फिल्में की हैं और वो उनके अच्छे दोस्त भी थे। दीप्ति नवल ने अपने पोस्ट में लिखा था, अपने एक दोस्त को ढूंढ रही हूँ जो फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और उनका नाम राज किरण है। हमारे पास उनको लेकर कोई खबर नहीं है। पिछली बार सुना गया था कि वो न्यूयॉर्क शहर में टैक्सी चला रहे हैं। अगर किसी को कोई क्लू मिलता है तो प्लीज़ बताएं। इस पोस्ट के आने के बाद एक्टर ऋषि कपूर ने अमेरिका की ट्रिप की जिस दौरान उन्होंने राज किरण को बहुत ढूंढा। किसी तरह उन्हें राज किरण के भाई गोविंद मथानी का फ़ोन नंबर मिला
और ऋषि कपूर ने उनसे मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि कपूर ने जब राज किरण के बारे में पूछा तो उनके भाई ने बताया कि वो अटलांटा के एक मेंटल असाइलम में इलाज करवा रहे हैं। लेकिन बाद में राज किरण की वाइफ कथीजा नाचियार और बेटी ऋषिका मथानी ने बताया कि मेंटल असाइलम में होने की बात पूरी तरह से अफवाह है। हालांकि राज किरण की वाइफ और बेटी को भी उनकी कोई खबर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके परिवार ने अमेरिका की पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव्स को भी उन्हें खोजने का काम सौंपा है और आज तक किसी को कोई क्लू नहीं मिल पाया है। कई बार राज किरण के मरने की अफवाह भी आई लेकिन कुछ भी साफ तौर पर सामने नहीं आया है। राज किरण के फैंस चाहते हैं कि राज किरण जहां भी हैं अपने परिवार में वापस आ जाएं, लेकिन सच ये है कि वो आज भी लापता हैं। दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।